तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल। उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो अभी तक YouTube पे आपको नहीं मिलेगा और ना ही इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया होगा। अगर 1% अगर कोई बताया भी होगा तो इतना डिटेल में नहीं बताया होगा। आपके पास किसी भी स्पेशल हम 3 साउंड के बारे में मैं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि और सब साउंड के बारे में तो हम कन्फर्म नहीं हैं, बट ये 3 साउंड में हम श्योर हैं। और ये आप अगर आजमाइएगा अगर बहुत सारे साउंड में, चार्जेबल वगैरह में, चार्जेबल साउंड में, तो वो आपका काम करेगा, एकदम 110% काम करेगा। आज मैं क्या बताऊंगा दोस्तों, आज मैं किसी भी ब्लूटूथ साउंड जो होता है उसमें साउंड कम होता है, तो आप जो मैं बताऊंगा ट्रिक, उससे साउंड को दुगुना कर दीजिएगा, दुगुना बढ़ जाएगा बस एक जंपर से, ये मेरा गारंटी दोस्तों। हाँ, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर एक लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक, देखिए ये साउंड का जो है, ये साउंड का ये वाला किट है, और ये वाला साउंड का देखिए दोस्तों, ये वाला साउंड जो आता है, ये वाला साउंड का ये किट है, और ये वाला साउंड का जो है ये किट है। तो जैसे आपको दिख रहा है, तो अब क्या करना है दोस्तों, किसी एक साउंड के बारे में मैं बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा दोस्तों सब में सेम ही रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा दोस्तों बस। तो मैं, चलिए इसमें जो है बैटरी वगैरह लगा हुआ है, तो चलिए इसी साउंड के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, आवाज़ को हमको दुगुना करना है। क्या करना है, आवाज़ को दुगुना करना है, तो क्या करना है ये जान लो दोस्तों। तो आपको पता है इसका ये मेन IC है ना, इसका ये मेन IC है, और इसका ये साउंड IC है, आपको पता ही होगा, ये आपका ये साउंड IC है। तो साउंड बढ़ेगा किससे, इससे बढ़ेगा, है ना। तो चलिए आपको हम साउंड भी पहले दिखा देते हैं कि कितना साउंड है, और बढ़ता है तो कितना साउंड आता है वो भी आप देख लो, ठीक है। तो चलिए हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं दोस्तों। चलिए किसी एक किट पे हम काम करते थे, ये सबको हम साइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह भी मिल जाएगा, आपको देखने में दिक्कत ना होगा। थोड़ा बहुत ये भी बताइए, देखिए दोस्तों ये भी इसका मेन ये IC है, इसका एक साउंड IC है, चाहे इसमें भी आप देख लो, इसका मेन IC है, इसका ये साउंड IC है। तो सबका किट में जो सामान लगा हुआ सेम है, किसी का बस किसी का राउंड है, किसी का गोल है, किसी का लंबा चौड़ा है, बस यही फ़र्क है। तो अब क्या करना है ये देख लो। तो थोड़ा हम किट को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में सही से आए। तो चलिए ये हो गया, ये ऊपर हो गया, ये बैटरी है, ये आपका ये हो गया, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं, राइट। तो ये होगा, देखिए ऑन हो गया, तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसको हम ऑन करते हैं, देखिए साउंड कितना है आपको पता चल रहा होगा, अनुभव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना, साउंड कैसे बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। इसको हम ऑफ करते हैं, साउंड को हम ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑफ कर दिया मैंने, फिर से हम ऑन करते हैं। अब क्या करना दोस्तों, ये देखो ये मल्टीमीटर लेना है, ये देख लो। आप चाहो तो बिन मल्टीमीटर का भी कर सकते हो, मगर हम आपको डिटेल में बताते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, कहीं से दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों आपका ये हो गया माइनस, माइनस कहीं पे लगा दिए। इसमें आप क्या देखिए, ऑडियो IC कौन सा है दोस्तों, ये ऑडियो IC है, आपको दिख रहा है ना। तो देखिए ये ऑडियो IC, ये माइनस में लगा दिए हैं, मीटर भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। अब क्या करें, इसमें जो है प्लस कौन है इसका, ये देख लो आप, इसमें पहले ये चेक कर लो कौन प्लस माइनस है, कौन इनपुट आउटपुट है, ये आप चेक कर लो। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका, ये चेक करोगे तो 4 वोल्ट प्लस जो है, हाँ देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, ये 3.98 वोल्ट है ना। तो ये वोल्ट प्लस अप्लाई इसका पिन है, ये आपका हो गया, इधर से IC को कैसे गिना जाता है, यहाँ से बिंदा है दोस्तों, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, इधर से 5, 6, 7, 8, यानी 6, 7 जो है इसका प्लस माइनस है। इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, फिल्टर कंडेंसर, इसको PF कहते हैं,
उसके बाद अब तो ये प्लस माइनस हो गया, अब स्पीकर का तार कौन हो गया, इधर से एक स्पीकर को सही से देखिएगा तो आपको देख लीजिएगा दोस्तों, ट्रेस कर लीजिएगा, ये स्पीकर का हो गया, ये भी स्पीकर का हो गया, ठीक है। तो ये स्पीकर का तार हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब इसमें जो है इनपुट का चेक करना है कि इनपुट कौन है, ताकि ये आईसी जो दोस्तों मेन आईसी ये इनपुट भेजेगा कमांड ऑडियो का, तभी तो ये जो एम्पलीफाइड करेगा तब आउटपुट एक्स्ट्रा देगा, बढ़ाएगा आवाज़ को। तो अब क्या करना है, ये इनपुट दोस्तों हम चेक करना, देखिए इनपुट में वो याद रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इनपुट वोल्ट देखिए, इनपुट जो है ना पिन ये है दोस्तों, चार नंबर है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पीएफ लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लग के ये इस पे गया है, तो इसमें जो वोल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जब तक आईसी का कमांड नहीं देंगे तब तक वोल्ट नहीं आएगा। अभी देखिए दोस्तों, हम इसमें जो है गाना प्ले करेंगे तो वोल्ट आएगा, देखिए दोस्तों गाना बज रहा है, ये देखिए आ गया, तो ये हो गया इनपुट पिन। अब इसका आवाज़ कैसे बढ़ेगा, ये समझने वाली बात है। आवाज़ में क्या करना है दोस्तों, ये देख लो आप, बस एक ही जंपर ट्रिक है जो कि आप करना और साउंड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ज़्यादा मन का लगा हुआ रहता है तो कि आवाज़ जो है थोड़ा कम आ जाता है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एक चेक करना है, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों आवाज़ दोस्तों, ये आवाज़ की देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। हम चलिए इसमें जंपर मार के दिखाते हैं आपको, फिर आपको सही से पता चलेगा। तो दोस्तों इसको हम ऑफ कर देते हैं, चलिए इसको ऑफ कर दिया मैंने, ये ऑफ हो गया। अब इसमें एक जंपर मारते हैं, तो देखिए दोस्तों ये आपका रहा, एक इधर से जंपर मार देते हैं, यहाँ से ले कर ये रहा आपका दोस्तों, सही से जंपर नहीं हुआ है, तो इसको सही से थोड़ा कर देते हैं, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए आवाज़ भी देखिए कितना ज़्यादा दिया, देखिए दोस्तों आवाज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना जरूर।